नमस्कार मित्रों, वेलकम टू नवभारत समाचार। आज हमारे साथ एक अच्छी खूबसूरत महिला है और खासकर मुंबई से आई महिला है जो हमारे एक केसी बोकाड़िया साहब का फिल्म का रिलीज के सिलसिले में यहाँ पे उपस्थित है। फिल्म का नाम है नमस्ते नेस्तमा। तो ये नेस्तमा कौन है, उनसे वार्तालाप करेंगे और जानेंगे इनकी सिनेमा की जर्नी कहाँ से शुरू हुई है और ये फिल्म के बारे में जानकारी करेंगे। Hi, Ishania Maheshwari. Am yes, I right? Yes, you are right. So, welcome to Hyderabad. Thank you. कैसा लग रहा है हैदराबाद आपको? हैदराबाद आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के खाने के बारे में मैंने एक्चुअली बहुत सुना है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ की बिरयानी खाने के लिए। एंड बहुत सारे प्लेसेस लाइक चटनीज है एंड ऑल दिस थिंग, तो खाने को लेके भी एक्साइटेड हूँ। एंड तेलुगु इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज बहुत सारी एक्ट्रेस तेलुगु तमिल फिल्म्स करके फिर बॉलीवुड में आते हैं। एंड विद बोकाड़िया सर ब्लेसिंग, दिस इज़ माय फर्स्ट तेलुगु फिल्म एज डेब्यू। एंड इसके बाद मैंने अभी हाल ही में एक हिंदी फिल्म भी कम्प्लीट की है, तो आई बिलीव दैट तेलुगु इंडस्ट्री इज़ लकी फॉर मी इन दैट वे। तो बिफोर द इंटरव्यू स्टार्टेड, इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपसे बातचीत करा था, तो आप बोल रहे थे कि आप शर्मा दावर इंस्टीट्यूट से डांस सीख रहे हैं, सो यू वेल प्रिपेयर्ड टू कम इनटू द इंडस्ट्री, उसके बारे में कुछ बोलिए। एक्चुअली आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड टू बी इन द इंडस्ट्री, बिकॉज एक्टिंग के बारे में कभी पहले सोचा नहीं था। बट शामक दावर इंस्टीट्यूट में हमने काफ़ी डिफरेंट डांस स्टाइल सीखे हैं, और वो करते वक्त जब हम स्टेज शोज करते थे तो एक अच्छा फील होता था स्टेज पे खड़े रह के, ऑडियंस को देख के, एंड उन्हें जो खुशी होती थी हमें देख के डांस करते हुए। तो तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ। मुंबई एक बहुत महानगर है और हैदराबाद हाल ही में ही महानगर बना है, तो आपको अंतर क्या लगता है फिल्म के तौर तरीके में? वैसे अंतर तो बहुत भी है और बहुत नहीं भी है, क्योंकि हर किसी का काम करने का अंदाज़ एकदम अलग होता है। बॉलीवुड फिल्म्स की जो रीच है वो इंटरनेशनल लेवल तक भी जाती है, बट बनती तो बहुत तेलुगु फिल्म जैसी ही है, मतलब रीमेक तो तेलुगु फिल्म तमिल फिल्म से ही होती है। तो आई पर्सनली लाइक वॉचिंग तेलुगु फिल्म्स जब उसके जो डब होके बिफोर मूवीज़ या बिफोर इसमें आते हैं, बिफोर यू इसमें या जी सिनेमाज में, तो आई रियली लव वॉचिंग तेलुगु फिल्म्स। सो वे आर गोइंग टू टेक दिस जर्नी इन सिनेमा फॉरवर्ड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा तेलुगु फिल्म से देखने वाले हैं या हिंदी में देखने वाले हैं या अन्य भाषाओं के, कन्नड़ या तमिल भी है, सो वे विल यू बी मोर फोकस्ड ऑन योर जर्नी? आई एम मोर फोकस्ड ऑन तेलुगु एंड हिंदी, बिकॉज अभी थोड़ा थोड़ा तेलुगु सीखना शुरू किया है, तो पहले एक लैंग्वेज में कर लूँ, फिर विथ ऑल योर ब्लेसिंग्स विद बोकाड़िया सर ब्लेसिंग्स ऑफकोर्स हिंदी में काम शुरू हो गया है, तो आगे भी करना चाहूँगी। आपका तेलुगु एक्टर्स के साथ, जैसे ब्रह्मानंदम जी है, काफ़ी बड़े एक्टर हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? ब्रह्मानंद सर के साथ सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज वो जैसे ऑन स्क्रीन है वो वैसे उससे ज़्यादा वो ऑफ स्क्रीन है। उन्हें जो ऑल द टाइम जोक्स करने की आदत है एंड बींग पर्सन लाइक आउट ऑफ फ्रॉम तेलुगु इंडस्ट्री, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करवाया है। एंड तेलुगु लैंग्वेज के जो डायलॉग्स भी थे, क्योंकि मेरे और उनके काफ़ी सीन्स भी है साथ में एंड समवर इमोशनल सीन्स एंड ऑल, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है और कभी कभी इमोशनल सीन में काफ़ी हंसाया भी है। तो ये लगभग शूटिंग के दौरान आप कैसा एक्सपीरियंस रह चुका है केसी बोकाड़िया जैसे लेजेंड के साथ आप काम करें? हाँ, उनकी काफ़ी नाम है, 90 के दशक में उनकी काफ़ी बड़ी हिट्स रह चुकी है। सो वेर यू टेंस्ड और वेर यू हैविंग सम यू नो सम काइंड ऑफ बटरफ्लाइज इन योर स्टमक बिफोर यू हैड गिवन टू दिस बैनर? I actually, when I got called for the first time for this film, I had so many butterflies in my stomach, because I have grown up watching his films. Like you name it, I have watched almost every film. But Teri Meherbaniya ek aisi film hai, because I'm animal lover. I love dogs. मुझे घर पे रख मतलब permission नहीं मिलती, नहीं तो मैं तो कुत घर पे सारे कुत्ते ही पालूं। But तेरी मेहरबानी। So talking about dogs, this cinema has some dog connection as well. Yeah, this cinema has a dog connection. Actually,
हीरो हीरोइन को भूल जाओ, यही सब कुछ है फिल्म के. ही इज हीरो, ही इज हीरोइन ऑफ द फिल्म, ही स्टील्स द शो ऑफ द फिल्म. बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा काम किया है डॉग्स ने. एंड देर आर एक्चुअली टू डिफरेंट डॉग्स टू डू दिस फिल्म. एंड जिस तरीके से वो शूट करते थे, एंड देयर परफॉर्मेंस इज रियली नाइस. सो वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन तेलुगु सिनेमा. और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. आई विश एंड प्रे दैट योर मूवी डज एक्सट्रीमली वेल और ढेर सारे पैसे लेके आए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एनी फाइनल मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स ऑफ नवभारत समाचार? माय फाइनल मैसेज वुड बी फॉर ऑल ऑफ यू इज प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म. एनिमल्स हैव डन रियली गुड जॉब, बोथ ऑफ द डॉग्स. उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और हमारा काम भी आपको अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद. एंड केसी बोकाड़िया नाम ही बहुत बड़ा है तो आप जानते हो कि मूवी तो अच्छा होगा ही. हमें भी प्यार दीजिए, मूवी को भी प्यार दीजिए. एंड उम्मीद करती हूँ कि तेलुगु इंडस्ट्री में और काम करूँ. तो ये थी हमारी खूबसूरत शख्सियत मुंबई से हमारे हैदराबाद शहर को आई ईशान्या महेश्वरी. एंड हियर इज विशिंग देयर मूवी ऑल द सक्सेस. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू. थैंक यू.